हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेट एनालिसिस के ऊपर एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपको रिसेंट एग्जाम से सॉल्व करके दे रहा हूँ, समर 23 का न्यूमेरिकल है। बट ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी हिट कीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल का गिवन है, समर 23 के न्यूमेरिकल में ये कुछ ऐसा बोला है कि एक वॉल है जिसका लेंथ 6 मीटर है, हाइट 3 मीटर है, विड्थ 23 सेंटीमीटर है। तो मीटर मीटर में ये है तो इसको भी मीटर में करो। कैसे करते हैं? सेंटीमीटर का मीटर करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके 0.23 मीटर मिल गया। उसके बाद सीमेंट मोर्टर जो यूज किया है इस वॉल में वो 1:5, सीमेंट का एक गोनी तो 5 गोनी सैंड का। ब्रिक साइज 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर ऐसा दिया है, ठीक है। ये ब्रिक साइज अगर नहीं दिया तो यही स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आइए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अगर वेट वॉल्यूम नहीं दिया है तो अज्यूम करना होता है 10 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे वेट वॉल्यूम निकालने के लिए डायमेंशंस दिए, तो इनका यूज करके आप वेट वॉल्यूम निकालिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वेट वॉल्यूम के लिए क्या करना है। देखिए, अगर कुछ भी नहीं दिया है और ब्रिक वर्क के लिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालो ऐसा बोला है और सीमेंट मोर्टर का रेशो दिया है, तीन ही चीजें दी, तो उस टाइम पे आपको वेट वॉल्यूम अज्यूम करना पड़ता है 10 मीटर क्यूब। अगर दिया है तो कुछ इस फॉर्म में देंगे, लेंथ हाइट और विड्थ दे देंगे, तो इससे आप वॉल्यूम वेट वॉल्यूम निकाल सकते हो। आइए निकाल लेते हैं। एक न्यूमेरिकल में सब न्यूमेरिकल्स का प्रिपरेशन ले रहा हूँ, पूरा कैसी कंडीशन आ सकती है वो भी बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे तो दिया है सब कुछ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्रिक वर्क वाली वॉल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, यानी वेट वॉल्यूम कितना होगा, एल एच इंटू बी, सिंपल है, 6 × 3 × 0.23, इनका कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन तो हमें वेट वॉल्यूम मिल जाएगा। आइए कर लेते हैं कैलकुलेशन, कितना है वैल्यू, 6 × 3 × 0.23 बराबर 4.14, ये इसका वेट वॉल्यूम आ गया, कितना 4.14 मीटर क्यूब, दैट्स इट। अब एज पर प्रोसीजर वेट वॉल्यूम निकालने के बाद तुरंत आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना होता है, तो ड्राई वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मॉडल आंसर में क्या दिया है वो मत सोचो, ये प्रोसीजर ना, बाकी अभी तो ब्रिक वर्क कर रहे हो, कंक्रीट वर्क का जब निकालने जाओगे ना रेट एनालिसिस तो उसमें भी प्रोसीजर सेम रहे ऐसा पढ़ा रहा हूं मैं। देखिए, ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला है ब्रिक वर्क के लिए 35% ऑफ वेट वॉल्यूम, ठीक है। अब 35% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, वेट वॉल्यूम 4.14, कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन, बहुत इजी है। 35 × 4.14 / 100, तो ये 1.45 कितना आया, 1.45 मीटर क्यूब, इतना ड्राई वॉल्यूम आ गया। अभी क्या करेंगे, सीमेंट सैंड का हमें क्वांटिटी निकालना है, वो निकाल लेंगे। बहुत अच्छा और इजी प्रोसीजर है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ऐसा भी बोल सकते हो आप। कैसे निकलेगा ये, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम, मतलब एडिशन ऑफ प्रोपोर्शन, इनटू, अभी सीमेंट का है ना, सीमेंट प्रोपोर्शन, ये जानबूझ के फॉर्मूला लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करना है, अब
यहाँ पे सिंपली ड्राई वॉल्यूम पुट करना है 1.45 है। अब सम ऑफ प्रोपोर्शन मतलब क्या, ये जो आपको प्रोपोर्शन दिए है सीमेंट टू मोर्टर 1:5 है, दोनों को एडिशन कर देना 1+5 इनटू इसमें सीमेंट का कितना कंटेंट है उसका प्रोपोर्शन कितना है 1, पहला जो होता है वो सीमेंट का होता है, तो 1। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना आएगा देख लो अभी, 1.45 डिवाइडेड बाय 5 और 1 6 हो गया, इंटू 1 किया तो उसका मतलब वही होता है 0.242 मीटर क्यूब। अब सीमेंट भला कौन मीटर क्यूब में मेजर करता है, हम बैग में करते हैं, तो नंबर ऑफ बैग्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बैग्स सीमेंट के बैग्स, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स लिखना, नंबर ऑफ सीमेंट बैग कैसे निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम 0.242 मीटर क्यूब इतना है डिवाइडेड बाय, एक बैग का वॉल्यूम होता है दोस्तों 0.035 मीटर क्यूब। अब इसका डिवाइडेशन करोगे तो नंबर ऑफ बैग्स मिलेंगे, आइए कर लेते हैं, 0.242 डिवाइडेड बाय 0.035 इज इक्वल टू 6.91। क्या आपको तो ठीक लग रहा है, ये पॉइंट में कब से आने लगे सीमेंट बैग्स, बिल्कुल नहीं होता है, इसको राउंड ऑफ कर दो 7 नंबर्स है ना, 7 सीमेंट बैग्स। अब सीमेंट हो गया, दूसरा इसमें है सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड ऐसे क्लियरली लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सैंड कैसे निकालते, अगेन सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है हर जगह, ड्राई वॉल्यूम 1.45 डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन मतलब 1+5 इनटू, यहाँ पे बस चेंज होगा सीमेंट प्रोपोर्शन था, अब यहाँ पे सैंड का कितना प्रोपोर्शन है वो 5, सैंड कंटेंट इसमें 5 है, दैट्स इट, वॉल्यूम ऑफ सैंड मिल जाएगा, कितना इजी है देखिए, 1.45 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 5 खत्म, 1.208 मतलब 21 मीटर क्यूब, ये किसका वॉल्यूम मिला सैंड का, कितना इजी है देखिए, हो गया। अब ये होने के बाद यहाँ पे आपको ब्रिक का साइज कुछ शो के लिए नहीं दिया है, नंबर ऑफ ब्रिक्स भी निकालने हैं, वो कैसे निकालते हैं आइए बता देता हूं, बहुत इजी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू कैसे होता है, वेट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोर्टर। अब वेट वॉल्यूम तो लिख दूंगा मैं, कितना है 4.14 समथिंग था, कहां पे लिखा है हमने निकाला है इधर 4.14 डिवाइडेड बाय, अभी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोर्टर का मतलब क्या, ये ओनली ब्रिक है, अगर उस पे मोर्टर रखोगे, मोर्टर तो रखना पड़ेगा ना, तभी दो ब्रिक एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे, तो ये जो मोर्टर विथ ब्रिक है ना उसमें एक एक सेंटीमीटर खाली बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये होगा 10 सेंटीमीटर और ये भी होगा 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब अगर मीटर में लिखोगे तो 0.2 × 0.1 × 0.1 हो गया, एक ब्रिक का वॉल्यूम मिल जाएगा, इसी से डिवाइड करो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको मिल जाएंगे, बहुत इजीली निकाल सकते हो, ये देखिए 4.14 डिवाइडेड बाय 0.2 × 0.1 × 0.1 2070 नंबर्स, इतने ब्रिक्स आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये मैंने क्या किया है, ये देखिए फिर से समझाता हूँ, 3D में निकालता हूँ, चलिए ये ब्रिक है, इसमें फ्रॉग रहता है ऐसा,
ये ब्रिक जो है इसको दूसरे ब्रिक पे ज्वाइन करने के लिए नीचे ऐसा मोर्टर का लेयर रहता है ना, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, बाजू में भी 1 सेंटीमीटर, ये फेस पे ऊपर भी 1 सेंटीमीटर। तो एक एक सेंटीमीटर क्या करना है, बस आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। और वही ऐड किया 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, और वही मीटर में कन्वर्ट करके उसका वॉल्यूम लिया है वहां पर। दैट्स इट, इजी है। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि इतने ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे, कुछ ब्रिक्स ड्रॉप होके टूट सकते हैं। तो आपको ना 5% वेस्टेज कंसिडर करना पड़ेगा इसके, 5% किसके, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स के। देयरफॉर 5% से अगर फ्रैक्शन करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, 5% ऑफ ये टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। अभी अभी वेस्टेज कितना जा रहा है देखते हैं, 1 0 इधर कट हो गया, 5 1 5 2, चलिए छोड़िए आप ये कैलसी में करिए, गड़बड़ कर दोगे। 5 डिवाइडेड बाय 100, ये पूरा कैलसी में कर लेते हैं, 5 × 2070/100, 103.5। तो ब्रिक्स नई कितनी आई, 103.5, इसको राउंड फिगर ना, वेस्टेज ब्रिक्स 104। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ जाएंगे, जो पहले एग्जैक्टली लग रहे थे वो 2070 प्लस वेस्टेज 104, दैट्स इट। तो ये जो भी आएगा नंबर आप पता कर लेना और लिख देना, दैट्स इट। ये हो गया नंबर ऑफ ब्रिक्स, और यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल होता है एंड। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन से जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक भी कर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।